शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 4,231 अतिथि शिक्षक हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां खुद प्रदेश भर के जिलों में पहुंचकर सीधे कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक कर उच्च शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उनका निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव से पहले यादव समाज में कुछ नाराजगी व्याप्त है यहाँ पर। देखिए, मैं तो सब समाज के बीच में शिक्षा मंत्री के नाते से आया हूँ और सब समाज में यादव समाज भी आते हैं। मेरे को तो कोई ऐसी शिकायत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी अगर कोई बात होगी तो हम उसको समझेंगे, देखेंगे। और कुल मिलाकर के जो शैक्षणिक जगत के साथ साथ अभी चुनाव की बात अगर अपन करें तो चुनाव में दूर दूर तक मुझे कांग्रेस की कहीं स्थिति दिखाई नहीं दे रही। सारे जगह पर जैसे आपने देखा कि कमलनाथ जी अब जा कर के मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की कष्ट ये है कि आखिर वो एक एज लिमिट के बाद उनको अपने अध्यक्ष बनाना चाहिए, अपने नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। बहुत सारे यूथ उनके पास भी आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। कोई दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी 40 साल पहले भी नेता थे, आज भी वही नेता है, सरकार चलाने में भी वही आए, सरकार चली गई तब भी वही आए। ये कांग्रेस की तकलीफ है, भाजपा में इसके उलट। भाजपा में 40 साल पहले पटवारी की सरकार रहती थी, 45 साल में मुख्यमंत्री बन गए थे शिवराज सिंह चौहान। आज शिवराज जी ने भी अपने बीच में जिस प्रकार से हमारे वीडी समाज को अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सिस्टम बना। भाजपा में ये हमारी उम्र के साथ गंगा के प्रवाह की तरह निरंतर पवित्रता के साथ गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। और कांग्रेस में दुर्भाग्य ये है, हम तो चाहते कांग्रेस से भी सहानुभूति है, वो अपने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ पक्ष के अगेंस्ट विपक्ष की पार्टी के नाते से वो प्रत्यक्ष लाए, जो लोकतंत्र में दोनों पार्टी का महत्व है। लेकिन कांग्रेस करने को तैयार नहीं, ना दिल्ली में उनको नेता मिल रहा है ना प्रदेश में नेता मिल रहा है। भाई साहब, क्या है कि अभी शिला पट्टिकाओं की बात चली थी तो यहाँ सांसद है भाजपा के अपने के पी यादव जी, उनका नाम नदारद था शिला पट्टिकाओं में पंचायत मंत्री, मेरी जानकारी में दिखा। और एक चीज़ और पूछा, अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ऊर्जा मंत्री हैं आपके, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पर चांटा मार दिया, अभी झगड़ा हुआ है ग्वालियर में। मेरी जानकारी नहीं, लेकिन ये बात सही है, सबकी जानकारी है। नहीं, मेरी कुछ मालूम है नहीं, तो मैं हूँ कब मारा, लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस के लोगों को भी अपनी चुनाव में संयम रखना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर के चुनाव में जा रहे हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का भी अगर कोई ज़बरदस्ती किसी के कोई गले पड़ेगा तो कभी कभी गुस्से में ऐसा हो जाता होगा, लेकिन मैं तो इस बात के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा कि कोई भी पार्टी का आदमी अपने विचारधारा के लिए जरूर जाए, बीच में बात रखे, भाषण दे, सारे संयम के साथ काम करें, लेकिन कानून व्यवस्था स्थिति अपने हाथ में नहीं लेना। बहुत धन्यवाद। ताकि ये जो अतिथि विद्वान के जीवन में भविष्य की दृष्टि से भी उनको कैसे हम नियमित कर लें या उनकी जीवन में भी ये बदलाव लिया है। मैंने पीएस को बोला है, कमिश्नर को बोला है कि भाई अपने लिए आखिरकार इनने 15 साल 20 साल 25 साल अतिथि विद्वान करके पढ़ाया है तो उनके जीवन में इसको, लेकिन इसकी पॉलिसी नहीं बनेगी जब तक वो अतिथि विद्वानों की दिक्कत रहेगी। हम रास्ता निकाल रहे हैं, हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है और उनके बाकी भी क्या तरीके हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। पॉलिसी निर्धारण कब तक होगा? पॉलिसी निर्धारण के लिए तो जब तक हम तो 2-3-4 राज्यों से संपर्क नहीं कर रहे, उसके बाद ही इसमें कुछ करें। फिर भी टाइम पीरियड 2-3 महीने तो लगे। इसी बीच उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को शामिल करने पर कोई विचार चल रहा है, क्योंकि आपदा का अवसर में बेरोजगार उसको सीखने के लिए युवा कुछ करने जा रही है। देखिए, ये बात सही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा अलग अलग नहीं रहे, बल्कि उसमें तो कृषि भी है, मेडिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने राज्यों की दृष्टि से अलग अलग कोई कोई की स्थिति बनती है। वो एक मॉडल पॉलिसी है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, लेकिन हम सब पूरे तौर पर भारत सरकार की उस नई शिक्षा नीति का समर्थन भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण से हमारे अपने शैक्षणिक जगत में सुधार हो जाए। मेरी बात खत्म होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चुनाव को लेकर क्या गतिविधि उपचुनाव को लेकर आज आप यहाँ पर बना भी आए हुए थे, सम्मान समारोह भी रखा, इकट्ठा हुई है। हमको मालूम है कि पिछले समय यहाँ ही एक कॉलेज को लेकर के, कॉलेज की जमीन को लेकर के अतिक्रमण का मामला बना था, बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन हमने 12 करोड़ रुपये दिए मॉडल कॉलेज की जगह। मैं आज कलेक्टर से बात करने वाला हूँ कि जितनी जल्दी वो जगह उपलब्ध करा दे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, मॉडल कॉलेज का पैसा मंजूर है, वो जितनी जल्दी बन जाएगा उतना सबको लाभ मिलेगा। ये लाइन ऑर्डर का मामला है, वो देख ले कि क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, वो हल निकाल दे। टेंडर भी लग गया, उसका स्वीकृति हो गई, बाउंड्री भी शुरू हो गई। बस अपने लिए ये चाहना कि जो जो 3 कॉलेजों में हमने पैसा दिया है
जिले के अंदर बाकी भी और कॉलेज की रिक्वायरमेंट के लिए आज यहाँ बैठा था। हमने सभी प्राचार्य से कहा कि नए नए कोर्स खोलो, नया तरीके से हमारे कॉलेज में नवाचार भी करो। आप जितना अच्छा सोच सकते बच्चों के हित में हम सब तैयार हैं। आने वाले समय में अब नई शिक्षा नीति तो और इस बात की छूट देती है, जो बच्चों को खाली किताब पढ़ा करके मात्र परीक्षा कराने के बजाय उसके जीवन में शिक्षा बदलाव लाए, उसके जीवन में एक नया अध्याय जुड़े, जिससे पूरा परिवार शिक्षित होने के साथ साथ उसके लिए कुछ अपने लिए स्वयं के जीवन में एक आनंद का कोई विषय बन जाए। इसमें तकनीकी रूप से भी आने वाले समय में हमारे पास में जो ट्वेल्थ के बाद के बच्चे हैं उनको ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम दे करा के उसी लाइन को पकड़े। जिनको उच्चतम शिक्षा हासिल करना है उनको ही करना है, जिनको खाली खाने कमाने के अलावा अपने जीवन को चलाने के लिए शिक्षा लेना, तो आईटीआई के कोर्स है, क्लास सिक्स के बाद ही एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लिए हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी साल से हमारी इस पॉलिसी में सब आ जाए। जो उच्च शिक्षा विभाग में अलग अलग कोर्स में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आगामी सेशन है, हमने कहा कि हमारे सेशन में सिलेबस में कोई कमी नहीं करेंगे, वर्तमान सिलेबस को जारी रखेंगे, अगला सेशन समय पे कर लेंगे। इसलिए हमने इसमें ऑनलाइन परीक्षा को क्वेश्चन पेपर तो ऑनलाइन भिजवा दिए थे, लेकिन ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से उनको घर पर कापियाँ पिछवा दी और आधी से ज़्यादा परीक्षा बच्चों की संपन्न हो गई। लेकिन ये ओपन बुक का मतलब ये नहीं कि बच्चे खाली नकल मार के ले आएंगे तो उनकी परीक्षा हो गई पूरी। इसमें भी हमने UGC की गाइडलाइन के हिसाब से नियम रखा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो मार्क्स लाएगा, अर्थात बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मान लो सेकेंड क्लास है, तो भले वो घर से लिख कर लाए वो फाइनल में भी सेकेंड क्लास ही रहेगा, क्योंकि 50% मार्क्स उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और 50% मार्क्स उसके फाइनल के एग्ज़ाम है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर बच्चा फर्स्ट क्लास है तो फाइनल में भी वो फर्स्ट क्लास ही होगा। उसकी अपनी पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अर्थात गुणवत्तापूर्ण जो अपनी शिक्षा होना चाहिए उसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये अलग बात है कि इसमें ओपन बुक प्रणाली में भी परीक्षा पैटर्न बदला, प्रश्न पत्र का पैटर्न बदला। इसमें आमतौर पर जो चैप्टर के चैप्टर लिखते थे, आंसर देते थे, वो उसके बजाय अब थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप पूरी किताब पढ़ना पड़े। घर में भी वो परीक्षा देगा तो उसको पूरी किताब खोल के देखना पड़ेगी और उसमें भी कई फेल भी होंगे, ऐसा नहीं कि वो घर से लिख के लाए तो सब पास हो जाए। लेकिन हमने प्रयास किया है कि कोरोना के कारण से उसकी परीक्षा में शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए परीक्षा पैटर्न लिया। आगे जा करके हम परीक्षा की रिफॉर्म कमेटी भी बनाने वाले हैं। जो परंपरागत परीक्षा भी होती है, जो 5 क्वेश्चन दे दिए वो हाल में बैठ के लिखेगा, हो सकता कोरोना के कारण से आने वाले समय में हमको परीक्षा रिफॉर्म कमेटी नए तरीके की परीक्षा पे आगे कोई प्लान करना पड़ेगा। तो भी करेंगे इसके डेवलपमेंट के अलावा हरिजन में जो 4 साल की पॉलिसी आई है, जो सुधार उसमें लागू किए गए वो तुरंत अपने हरिजन में करें। अतिथि विद्वानों को लेकर कुछ नया करने जा रही है सरकार के पक्ष में? अतिथि विद्वानों का मुद्दा खास करके फॉलन आउट का हमारी अपनी सरकार ने इसमें निर्णय लिया है कि हम अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्राध्यापक हैं, पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान हैं, लगभग 4,232 के आसपास हमारे अतिथि विद्वान हैं, उसमें से 2,500 अतिथि विद्वान कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स हैं, जिनका वित्तीय भार कॉलेज और यूनिवर्सिटी उठाती है। लगभग 1,700 अतिथि विद्वान ऐसे हैं जिनके शासन से उनका भार उठाता है, उसमें से 840 के आसपास हम अतिथि विद्वानों को लगा चुके हैं, जिनकी च्वाइस फिलिंग 10 तारीख की आखिरी तारीख थी, 10 सितंबर तक की तारीख थी। अब शेष बचे हुए 700 जो अतिथि विद्वान हैं, इनके लिए हमने कहा कि हमारे पास में अभी जितने जगह खाली हुई, कोई ट्रांसफ़र हुए, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जो PSC से भरे थे उनकी पोस्टिंग हो गई है, या कोई कारण से कोई किसी और एक जॉब में चला गया तो जगह खाली रह गई, तो वो जो जितनी जगह खाली होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी में भी अतिथि विद्वान को माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री से बात हुई है उनके बारे में निर्णय करके हम उनके लिए भी लगाने वाले हैं। एक आप सबका स्वागत है। आज इस नाते से भी हम सब ज़्यादा आनंदित हैं, देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिवस है। मध्यप्रदेश सरकार ने 7 दिन का सेवा सप्ताह मनाया है, हमारी पार्टी ने भी सेवा सप्ताह मनाने के अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं। मैं स्वयं आज आंगनवाड़ी में बच्चों को सुबह फल वितरण करके आया हूँ। अभी 12 बजे हमारी जो पोषण पॉलिसी जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में दूध देने वाला कार्यक्रम रहेगा, 12 बजे कलेक्ट्रेट में ऑनलाइन CM के उस कार्यक्रम में भी जुड़ूंगा।
परमात्मा से कामना, जय बाबा महाकाल से, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी स्वस्थ रहे, सतायु हो, दीर्घायु हो, और जिस प्रकार का वर्तमान का दौर चल रहा है, उनको मालूम है कि तमाम चुनौतियों के बीच में से भारत को जिन्होंने अपने योग्यता से, क्षमता से निकाला है, ऐसा योग्य नेतृत्व परमात्मा करे, हमारे बीच लगातार बना रहे, वो सतायु हो। दो तीन चीज़ें और मैंने आपने आज के इस दौरे में जोड़ी हैं। हमारे अपने ज़िले के सभी प्राचार्यों के साथ मीटिंग की है। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षा मंत्री अपने प्राचार्यों के साथ सीधे सीधे रूबरू हो, सीधी बात कर रहे हैं। और बात करने के पीछे कारण ये है कि कोरोना जैसे कष्ट के काल में हमारे एडमिशन सहजता के साथ हो जाए, बच्चों का सेशन जो पिछली बार का बिगड़ा है, लेकिन अभी हमने परीक्षा अनाउंस की है। मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है पूरे देश में जिसने अपने बलबूते पर अपने फाइनल के और पीजी फाइनल की परीक्षा अनाउंस की थी। जो यूजीसी ने गाइडलाइन दी थी उसका निर्णय लागू किया था। हमारे बाद कई राज्यों ने, जिसमें पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और उनको कहा कि आप आपको अपनी एग्ज़ाम कराना पड़ेगी। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले एग्ज़ाम दी और उस सेशन का जो हमने टाइम दिया, सितंबर माह में हमारी परीक्षा कर लेंगे। लगभग 6 लाख बच्चों की परीक्षा हम यूजी और पीजी की फाइनल की कराने वाले हैं। गुना से मुरारी जटिया की रिपोर्ट।